मैं 13 ईयर्स का था जब हमारे डिस्ट्रिक्ट, मैं बांसवाड़ा का हूँ, एक राजस्थान में छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंटर स्टेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था RCN, तो उसमें मैं प्रैक्टिस करने जाता था और हम लोग की टीम उसमें फाइनल्स में जीती थी बांसवाड़ा की। तो उसके बाद से मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग गेम है और मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसको देखकर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि आप काफी टाइम से, मैं 2 साल पहले भी काफी 2 साल से अच्छा राजस्थान के लिए परफॉर्मेंस कर रहा था और हर बार सेंट्रल जोन के लिए खेलता था, अंडर 19 इंडिया कैंप्स कर रहा था, तो मैं प्रिपेयर था कि मेरा नंबर आएगा और फिर जैसे आया और मुझे हर मैच उधर खेलने मिला, तो बॉलिंग में भी काफी अच्छा रहा, मैंने हाईएस्ट विकेट लिए उधर और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीते और उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा था, मैं हर मैच में इकोनॉमी अच्छी रहती थी और अच्छी बॉलिंग करता था, काफी खुशी हुई। और इंडिया वर्ल्ड कप जीते और फर्स्ट टाइम जीती, उससे बड़ा कुछ खुशी हो नहीं सकती। उसके बाद फिर जब हम इंडिया आए और जब हमको रिकॉग्निशन मिला, एयरपोर्ट पे उतरे तो काफी लोगों ने रिस्पेक्ट दी, तो फिर अपने जब अपने गांव गया, बहुत छोटा टाउन है वो, तो वहां गया और मुझे एक ओपन जीप में पूरे सिटी में घुमाया गया और बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत खुशी हुई थी मुझे वो जीतने। अंडर 19 और रणजी में काफी डिफरेंस है, रणजी ट्रॉफी काफी सीनियर क्रिकेटर्स खेलते हैं और काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है रणजी ट्रॉफी का, और स्पिनर को आप जैसे जानते हैं कि इंडिया में काफी अच्छा खेलते हैं, तो और हमारी टीम में ही काफी गगन खोड़ा करके बैट्समैन थे जो हमारे कप्तान हुआ करते थे, वो इंडिया में सबसे, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्पिन खेलते थे, तो नेट में उनको बॉलिंग करना और फिर रणजी ट्रॉफी खेला, उसमें VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ ऐसे बड़े खिलाड़ी को बॉलिंग करने का मौका मिला और वो बहुत काफी अच्छी स्पिन खेलते थे। मुझे जूनियर क्रिकेट में लगता था कि स्पिन इतना मुश्किल टास्क नहीं है, पर जैसे जैसे रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक खेले तो काफी टफ होता है स्पिनर के लिए इंडिया में सर्वाइव करना, और बहुत बहुत इवन 7-8 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं वो लोग भी स्पिनर को काफी अच्छा खेलते हैं, और मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण और गगन खोड़ा, इनको बॉलिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने मिला उनको बॉलिंग करके, के काफी डिफिकल्ट टास्क है और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मेरा जॉब एज ए सिलेक्टर, आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको स्टेट की टीम बनानी होती है और आपको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके और आपको प्लेयर सिलेक्ट करने होते हैं, फिर उनके कैंप्स लगाए जाते हैं और उनमें फिर एक टीम, राजस्थान की टीम बनाना बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि आपको बहुत बड़ा स्टेट है, जैसे बॉम्बे हुआ, बड़ौदा हुआ, एक एक डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती है और राजस्थान काफी बड़ा स्टेट है, तो आपको काफी मैचेस देखने पड़ते हैं और वो 15 बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये काम आता है कि मैं काफी 20 साल से राजस्थान से खेला हूँ और तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि कैसी टीम बननी चाहिए और आपको राजस्थान को जिताना है तो किस तरह से टीम बनानी पड़ेगी। चार पांच प्लेयर हैं जो हम लोग 3 साल से मैं सिलेक्ट तो देख रहा हूँ, एक विकेट कीपर बैट्समैन है मुकुल चौधरी करके है, तो वो काफी अच्छा, उसने इस बार भी 700-800 रन बनाए। एक सुमित गोदारा करके है, ओपनर बैट्समैन है, वो भी NCA में 2-3 साल से। इस बार हमने एक कुवैत का लड़का खेला, मीत भावसार करके, जो कुवैत से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, वो राजस्थान से जूनियर क्रिकेट खेला, तो वो वाइड बॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छे शॉट लगाता है, तो उसको वो भी खेल सकता है आगे अगर फ्यूचर में IPL और इंडिया अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो। और सलाउद्दीन करके मीडियम पेसर है जो IPL की ट्रायल्स और दे चुका, अभी आया नहीं है नाम उसका। बाकी करण सिंह लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, 4-5 प्लेयर हैं जो काफी अच्छे हैं, जो मेरे ख्याल से आगे जाके 2-3 साल में आप उन्हें टीवी में और इंटरनेशनल लेवल पे देख सकते हैं। ऐसा फ्यूचर में तो मुझे स्पिन कोच बनने का है इंटरेस्ट, पर जब तक उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है कि किसी स्टेट टीम में मुझे अभी कोचिंग का ऐसा असाइनमेंट नहीं मिला है, तो सिलेक्टर अच्छा जॉब है। मैं मुझे जैसे मेरे ऑफिस के साथ मेरे को आसान रहता है, आप कोच बनोगे तो आपको 4-5 महीने घर से बाहर रहना पड़ता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो सिलेक्टर का अच्छा जॉब है। और मुझे लगता है हम जब से मैं सिलेक्टर बना हूँ, राजस्थान सेमीफाइनल फाइनल तक आती है जूनियर लेवल में जो मैं सिलेक्टर हूँ, तो मैं काफी सेटिस्फेक्शन है मुझे इसका,